संसारसिन्धुत्वरणे हृदयं यदि स्वाद् सङ्कीर्तनमृतरसे रमते मनुष्येद् प्रेमाम्बुधौ विहरणि यदि चित्वबीति चैतन्यछन्दचरणे कुरुतानुरागम् চৈত শিশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপা জীবনে বেয়ে বদ্যজীব অদ্বৈ জ্ঞান তত অধক্ষজ তথ্য অধক্ষজ বস্তু কেবা নহ करना चाहता शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गुरुस्वामी ठाकुर भगव जी ने बताए अधख वस्तु भागवत वस्तु का सेवा बद्ध जीव किसी भी हालत करना नहीं चाहते लेकिन बिना बुलाए बिना ट्रेनिंग विदाउट एनी टीचिंग दे आर ऑलरेडी टू सर्व माया देवी बिना बुलाए बोलने का भी दरकार नहीं है लेकिन माया देवी का सेवा करने के लिए स्वतः प्रवृत्त होकर वो लोग दौड़ते हैं जो लोग अर्चन करते हैं अर्चन पद्धति में एक तो शब्दों सुनने को मिलता है उस दिन में उठाया था जुबोती नाम जथा जूनो जूनो युवतों जथा युवक व्यक्ति का स्वाभाविक आकर्षण रहते हैं युवती का ऊपर युवतियों का आकर्षण रहता है युवकों का ऊपर इट्स क्वाइट नेचुरल प्रकृति का यही व्यवस्था है हर आदमी सोचते हैं हम मालिक हैं हम कर्ता डू अर्शिप कर्ता अहम इति मन्यते प्रकृति क्रियामानी गुण कौरवीर अवसा लेकिन प्रकृति के द्वारा आवास होकर सब प्रवृत्त है एक एक अपना स्वभाव का अनुसार कर्म में लगे हैं लेकिन कर्ता अहम इति मन्नति ये स्वाभाविक उन लोगों का भाव ये है हम ही कर्तापन इसी को गीता में भागवत में हर जगह बंधन का रास्ता बताया बंधन का इतना तगड़ा रास्ता बहुत मुश्किल है भागवत आदि शास्त्रों में तो और सुंदर बताया धन दौलत विद्या आदि जितना बंधन के कारण हो उसे यशित संघों में ज्यादा आकर्षण होते हैं ज्यादा बंधन होते हैं भोंसाम स्त्रिया मिथुन भाव एतम तम तयोर मिथो हृदय गमथि माहू कौन बोला पुंग मिथुन भाव मेतम तयोर मिथो हृदय गंथि माहू सबसे बड़ा तगड़ा बंधन भागवत में और जगह भी गार स्क में बात्री नाम स्त्री संगी नाम इत्यादि श्लोक बताया इतना बड़ा बंधन नहीं होते जो भी है सारे चीज बंधन के कारण है सत्संग प्राप्ति पुंगवीर बहुवीर सुकृति पूर्व संजितोई सत्संग बहु सौभाग्य के द्वारा मिलता है ऐसा नहीं कि हमारा पास पैसा है सत्संग हो जाएगा ऐसा नहीं भगवान का इच्छा है भगवान का अप्रूवल है तो बद्ध जीवों का सत्संग होते रहते होता है नहीं तो बिल्कुल संभव नहीं भागवत जी महापुराण में एक सुंदर प्रसंग आता है तिरंडी भिक्षुक का प्रसंग जहाँ एक अवंती नगर का एक ब्राह्मण थे बड़ा कंजूस थे इतना कंजूस थे कि महाराज क्या बताए वो अपना घरवाली बेटा बेटियों को भी संतुष्ट नहीं कर पाते बड़ा पैसादार है पैसा को कोई कमी नहीं है लेकिन किसी को देंगे नहीं खुद भी भूंगेंगे नहीं सब इकट्ठा करके रख देंगे एक दफे हुआ क्या उसका जो बिजनेस है व्यापार है उसमें बड़ा भरी नुकसान हो गया ऊपर से डाकू आया सब लूट के ले गया और कुछ बचा नहीं घर में आया खाली हाथ और घर में जो डिपॉजिट थे बहुत सारे पैसा तो पहले इकट्ठा किए थे लेकिन राजा ने उजुर को आदेश किए इससे इसका बड़ा भारी दोष है ऐसा ऐसा किए हैं तो उसके सारे जितना सारे संपत्ति है सब लूट के ले गए उसके बाद उसका जो हालत हुआ पेनफुल सिचुएशन इसमें बीबी बच्चों सब बीवी और बच्चा लोग सारे बहुत खुशियाँ मनाएं, बड़ा अच्छा हुआ ये तो बदमाश था ही था पिता तो नाम का पिता, अच्छा है जा भाग अभी घर से धक्का लग गया खाली हाथ निकल आए कुछ भी नहीं है डोलते 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 वो चिंता करते हैं रहते हैं कि हमारा ये हालत क्यों हुआ क्या कारण है साठ साल का उम्र तो हो गया हमारा अब इसी अवस्था में ऐसा हालत हुआ अचानक इसका अंदर में चैत्य गुरु जो है चैत्य गुरु का अवस्थान जो लोग भजन करते हैं सुने हैं गुरु वैष्णव का पास और जानते हैं चैत्य गुरु का जब तक कृपा वर्षण ना होगा शास्त्रों का बात सुनते रहते हैं वास्तव साधु संग नहीं किए हैं शास्त्रों का बात कभी जाते हैं बैठते हैं और एक बार कभी साधु का कीपा थोड़ा बहुत हो गया वास्तव कीपा और चैत्य गुरु का कीपा हो गया सब समझ में आ गया एक ही शास्त्रों का बात पहले शायद सुने लेकिन आज ऐसा लगा धक्का लगा दिल में और सारे उसका जो भाव है हृदय में प्रकाशित हो गया चैत्य गुरु का जब तक कृपा ना हो तब तक ये भजन में अग्रसर होना संभव नहीं होता चैत्य गुरु का कृपा हुआ किसी भी हालत उनके दिल में आए कि महाराज नू में भगवान संतुष्टो जेनो जेनो एनम दशा नीतम निश्चित हमारा ऊपर परात्पर अखिलेश्वर भगवान संतुष्ट है नहीं तो हमारा ऐसा हालत क्यों आया अब दिल में जो बंधन था अब उदास हो गया हमारा दिल बहुत अच्छा लगता है हमारा दिल में कोई कष्ट नहीं सताता है लगता है कि ठाकुर जी का कीपा हो गया ये सभी तो मेरा बंधन का कारण था मैं पागल का मापी दौड़ रहा था क्या कारण था कुछ तो नहीं है दुनिया में कोई किसी का नहीं है अपनापन लगा के मरते हैं सिलोपुपात बोलते हैं पुरुषोत्तम भगवान का साथ उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष व्याकरण में तीन किस्म का पुरुष आता है उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष जानते हो जो व्याकरण प्रिलिमिनरी पर हैं वो भी जानते हैं सिल बहुपात बताते हैं कि उत्तम पुरुष भगवान का साथी पुरुषोत्तम का नित्य संबंध है लेकिन इसका जानकारी नहीं होने के कारण जीवों का बद्ध दशा आ गया पुरुषोत्तमों का साथ उत्तम पुरुष का संबंध बन गया इसमें जो प्रीति का भाव है वास्तव यह अगर प्रकाशित हो गया तो जीवात्मा मालामाल हो जाएंगे प्रीति प्रकाशित नहीं हुआ भगवान का साथ तो कोई लाभ नहीं है संसार में आम आदमी बहुत वस्तु और व्यक्तियों का साथ प्रीति विनिमय एक्सचेंज करते रहते हैं उपनिषद जब भी पहले से वार्निंग दे के रखे हैं आत्मा व आर्य द्रष्टव्य स्रोतव्य निधिध्य सीतव्य आपका अंदर में जो आत्मा है इसके संबंध के द्वारा ही आपका पत्नी घर बारी मुकान जो कुछ भी है पुत्र आदि सब आपका प्रियता अर्जन किए हैं अगर ये आत्मा दिल से निकल जाए तो कोई भी वो आदमी को नहीं रखेगा चाहे वो पत्नी हो कि पिता हो कि दोस्त हो उसको जलाया जाएगा हम प्रसंग में आने का पहले जो इंट्रोडक्शन देना चाहे मोस्ट अर्जेंट है ये बहुत जरूरी है इसलिए थोड़ा बहुत समय ये इंट्रोडक्शन में लिया फिर परंपरा, परम्परा जो, चैतन्य महाप्रभु का, का बारे में थोड़ा बहुत तो बताएंगे जितना ज़्यादा ये सब चीज का बारे में चर्चा हुए उतना ही मंगल का रास्ता खुलेगा हैदराबाद का एक कहानी है शिल भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी ने बताया था आश्चर्य कहानी भले एक बुढा बुढी रहते थे हैदराबाद में बड़ा पैसा वाला करोड़ों करोड़ों रुपया का मालिक है दो बेटियां रानी हैं शादी भाई इंग्लैंड में एक का एक का अमेरिका में अपना पैसा जो कौन खाए बुढा बुढ़ी बड़ा प्रीति है आपस में कभी तीर्थ तीर्थ यात्रा इधर उधर जाते रहते हैं एक दफ़े हुआ क्या बड़ा भारी टिकट हुआ ए में और महाराज हरिद्वार जाएंगे बोल के वो ट्रेन में जाके सब सामान लेके बैठे बड़ा आनंद उछल पड़े जाएंगे हरिद्वार शंकर जी का जगह है और महाराज बड़ा आपस में चर्चा हो रहा था महाराज ऐसा सुंदर चर्चा हाँ जी वो वस्तु लिए हो रास्ता में तो लगेगा बोला हम लिए हैं चामच लिए हो लगेगा वहाँ लिए हैं आचार लिए हो बिना आचार कैसे चलेगा हम हारा लिए हैं सब बड़ा आपस में चर्चा हो रहा था बस दस मिनट बाकी है ट्रेन छूटने की बूढ़ा का हार्ट अटैक हो गया डेथ हो गया सडनली सडन डेथ संग संग हल्ला मच गया और रेलवे वाले पुलिस भी आए और डॉक्टर टीम भी आए घोषित किया है तो मर गया रोने का बाहर आ गया तब का जमाने तो ऐसा नहीं तो हेलो बोलो ऐसा नहीं था बहुत दिन पहले का बात है तेन से उतारे आए सब सामान लेके अब रोने का बारी है और सहायता किया रेल वाले पुलिस ने सारे जो रिलेशन था दो एक अब दोस्त आदि सब कोई को फ़ोन किए कि ऐसा हालत हो गया सपने दौड़ के आए आने का बाद और फिर जितना सारे दोस्त है रिश्तेदार है बोले एक काम करो इनको पहले ले चलो मकान पे ले चलो घर पे, जहाँ से आए हैं वो जाना ज़रूरी है उसमें इतना दिन रहे उसमें ले चलो फिर उसके बाद शमशान में ले जाएंगे बूढ़ी ने चिल्लाई नहीं डायरेक्ट ले चलो शमशान में बोले क्यों क्या बात है वहाँ वहाँ बैक्टीरिया फैलेगा जर्म बैक्टीरिया फैलेगा दिस इज सैंपल ऑफ योर लाभ यही सैंपल है आपके आप प्यार मोहब्बत का शर्त छूट गया तो छूट गया इसलिए प्यार करना है प्रीति करना है तो एक एकदम भगवान को ही करना है अगर किसी को करना पड़े तो भगवत संबंध में ही करना पड़े इसका बारे में अभी दो एक दिन चर्चा शायद चलेगा उसमें हम दो एग्जाम्पल भागवत से उठाएंगे भजन का कैसे तोड़ मोड़ होते हैं अभी यह प्रसंग नहीं है तो यह वस्तु को प्राप्त करने के लिए व्यवस्था होना चाहिए जो कि मेरा पहला श्लोक जो है शिला प्रबोधान सरस्वती पाद का बड़ा आश्चर्य श्लोक है संसार सिंधु उत्तरणे संसार सिंधु को पार करने का अगर इच्छा है संसार सिंधु उत्तरण हृदय यदि साथ और अगर संकीर्तनामृत रसे रमते मनुष्चेत इफ यदि आपका मन अगर संकीर्तन रस में डूब गया बाजार का संकीर्तन नहीं है एक एक पॉइंट बोले हमारा दिल में प्रभुपाद जी गुरुवर्गो का कृपा से हमको इच्छा होता है अगर ये पॉइंट को ना बोले वो फिर उल्टा व्याख्या करेगा इसका दिल में आएगा नहीं संकीर्तन में बाजार में तो होते रहते हैं हवा बोले संकीर्तन में गए हैं महाराज जी झूठा बोल के गया हमारा तो कुछ तरक्की हुआ नहीं तो हमारा कहना तो सच्चा है लेकिन एनालिटिकल व्याख्या ना कर, करे तो आपको समझ में नहीं आएगा वास्तव हमारा कहने का उद्देश्य क्या है शिला भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रहोपा जी का पास बहुत सारे भक्त प्रश्न करते थे आप बोलते हो हरि संकीर्तन में योगदान करना जरूरी है तो हम लोग कहाँ जाए कौन सी संकीर्तन में जाए आपका बड़ा भारी रोक टोक है शास्त्रों का विचार का अनुसार आप आदेश देते हो वहाँ मत जाओ वहां मत जाओ तो हम जाए कहाँ हमको तो कुछ जा जानकारी है नहीं आम आदमी को जानकारी नहीं है कौन साधु है कौन असाधु है इस बारे में काउंटलेस क्वेश्चन का कमिंग टू में हमारा सामने अगणित प्रश्न आते एक ही महाराज कैसे समझे साधु कौन है और साधु कौन है संकीर्तन कहाँ वास्तव हो रहा है कहाँ नहीं और नाटकबाजी हो रहा है हम तो महाराज जी को विनती करते जहाँ भी जाते प्रचार के लिए बुलाए जाते हैं हम तो नालायक हैं फिर वे वैष्णव लोगों का बड़ा करुणा है हम जैसा नालायक को ला बैठा देता है हम विनती करते हैं कि देखो जितना सारे टॉपिक्स है उसमें साधु कैसा है साधु का विचार संकीर्तन कैसा होना चाहिए ये सब का शास्त्रीय विचार प्रभुपाद गुरुवर्गो का भक्ति विनोद ठाकुर का विचार के अनुसार समाज के सामने बार बार कोलते रहो बोलते रहो रिपीटेडली बोलते रहो तो एक दिन ना एक दिन इसका दिल में बैठ जाएगा वहां ये बोला है नहीं तो उसका समझ में नहीं आएगा बड़ा भारी संकीर्तन हो रहा है कथा भी बहुत मीठा चल रहा है लेकिन कथा का विषय वस्तु क्या है उसमें वास्तव भक्ति होगा कि नहीं इसका बारे में जानकारी किसी का नहीं है और समाज का विचार है मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड लेकिन भक्ति राज्यों में जस्ट ऑपोजिट क्वालिटी एंड क्वांटिटी कैन नॉट प्रस्ट टुगेदर क्वालिटी मांगोगे तो क्वांटिटी नहीं मिलेगा और क्वालिटी मांगोगे तो एक दो तीन ऐसा आ जाएगा हैरान हो जाओगे है साधु अगर बोलोगे साधु नहीं है तो आपको फेंका जाएगा जमालय में क्यों महाराज इसका भी बड़ा भारी दोष है एक एक शब्दों का व्याख्या करना चाहिए तो क्यों बोले ऐसा बल आपका ये जो शब्द बोले हैं इसके द्वारा आप ठाकुर जी को अपमान किए हैं बल क्यों ठाकुर जी को कुछ नहीं बोले हम बोले साधु नहीं है आज दुनिया में साधु का अप... साधु नहीं है बल यही तो ठाकुर जी का ऊपर अपमान लगा जगन्नाथ का ऊपर जिसको आप जगन्नाथ बोलते हो उसका पावर कितना तक आपका मेजरमेंट है जिसको आप जगन्नाथ बोल के बोलते हो पुकारते हो हृदय से बोलो उसका बारे में कितना कैसा आइडिया है आपका उसका बारे में कुछ सोच समझ आए आपका दिल में थोड़ा बहुत वो भी बनावटी जिससे हमको बार बार एडुकेटेड समाज में बोलना पड़ता है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ दैट एप्सुलट ट्रोथ लेकिन ये बोलने से क्या होगा हर दिल में हर ब्रेन में आ वैष्णव ओ साधु ऐसा ही है स्पेकुलेशन चलते रहते हैं उसको माना करो सुनेगा नहीं बहुत बार सुने साधु में हिसाब नहीं करना फिर भी आ जाएगा विचार आ जाएगा तो पुरुषोत्तम जिसको बोलते हो जगन्नाथ जो है उसका अनंत शक्ति संपन्न तत्व है जगन्नाथ उसका आपका मापिक जो आप जो आप जो आपका जो ताकत है लिमिटेशन है आपका पावर मनी पावर मन पावर फिजिकल पावर सबका लिमिटेशन है आंखों का दर्शन इसका भी लिमिटेशन है इफ यू पूथ ए पेपर टू नियर टू योर आईस यू कैनॉट सी महाराज पेपर महाराज यू कम दिस ब्रिंग दिस पेपर है एक पेपर को आंखों का समझ मे ऐसा पढ़ा जाए महाराज थोड़ा दूर करो और दूर कर लिया बोला ऐसा पढ़ा जाए थोड़ा नजदीक लाओ उसका मतलब क्या है अंडर सम एंड सर्टेन लिमिटेशन योर सेंस ओर्गन्स कैन वर्क आफ्टर दैथ सारे वैज्ञानिक सारे डॉक्टर्स दे आर ऑल फेल योर ये अनंत तो ब्रह्मांड का माली जगन्नाथ का बारे में कोई स्पेकुलेशन ना करो अगर आप ये इल्जाम लगाया जाए कि जगन्नाथ का इतना भी क्षमता नहीं कि ये चाँद सितारे ये धरती है इतना सुंदर बनाए इसमें एक भी साधु संधो को अपना रिप्रेजेंटेटिव को रखने का कोई ताकत नहीं है देन हु कैन कॉल ही इज जगन्नाथ कौन बोला वो जगन्नाथ है जिनका हिम्मत ही नहीं है कि दुनिया में एक तो गोलोक से बैकुंठों से एक रिप्रेजेंट अपना प्रतिनिधि को राके जबकि भागवत में प्रमाण है उद्धव जी को कृष्ण बताए बेटा आप मेरा दोस्त तो है आप मेरा साथ मत जाओ नहीं आप मर जाएंगे आपका साथ जाए देखो मेरा आदेश पालन करना ही आपका सेवा है आपको इस जगत में रहना पड़ेगा गुरु रूप में सिखाएगा कौन कौन सिखाएगा आपको रहना पड़ेगा आपका आचरण आपका विचार आपका उठना बैठना सब आपका संकीर्तन यही तो जगतवासी का मंगल का वस्तु है रुपया पैसा तो मंगल का वस्तु नहीं है हनुमंत लाला का देखो पंचम स्कंद में है किंग पुरुष वर्ष में हनुमंत लाला को राम जी रखे गए भजन करो यहाँ भजन करते रहते हो संकीर्तन करते रहते नृत्य करते रहते जबी ये जगत में भक्ति का भाव प्लावन आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में साधु का संख्या कम होते जा रहा है ये ठीक बात है लेकिन साधु है नहीं ये बात ठीक नहीं श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात परात्पर अखिलेश्वर कृष्ण वस्तु ही है उन्होंने जगतवासियों वासियों को भजन शिक्षा देने के लिए उद्धार करने के लिए अपना संन्यास का भक्तों का बेस रचाएद्रामिशम सचैतन्य किंग में पुनर यस्वति पदम कब ये चैतन्य महापो मेरा दृष्टि का सामने पुनर उदित हो जाए जिन्होंने अपना भक्त पालक भगवान होते हुए ही जगत का सामने अपना आचार आचरण आदर्शों को स्थापित करके गया अब उसके बाद ही उसका परंपरा में रूप सनातन आदि जीव सारे श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम जेन भूतले पढ़ते हो ना श्री चैतन्य मन स्थापित स्थापितम जेन भूतले रूप गोस्वामी बारे में बताया गया रूप गोस्वामी का बारे में बहुत सारी चीज है प्रियो स्वरूप दैत स्वरूप प्रेम स्वरूप सहजावी रूप निजानुरूपे इत्यादि है तथानुरूप सविलास रूपे इत्यादि श्लोक का चर्चा किए बहुत बार भगवान और भगवान का परंपरा अगर धंस हो जाए तो इस जगत को उद्धार करने का और दूसरा कोई रास्ता नहीं है भगवान का पास पुकार लगाओ बद्ध अवस्था में बद्ध अवस्था में नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण जी इस अवस्था में हैं, आपका पुकार उस तक नहीं जाता है क्योंकि आपका पुकार मेटेरियल साउंड और भगवान धाम में आनंद के द्वारा रसो वैसा आनंद के द्वारा डूबे हुए हैं रूप को ऐसे बोले बोले रूपे पभुरे को रूपे ततान रूपे सविलास रूपे द डे यू कैन हार्मोनाइज योर हार्ट विथ सुप्रीम लॉर्ड देन यू एक्सेप्ड जिस दिन अपना हृदय को भगवान और गुरु वैष्णव का हृदय का स्वाद संपूर्ण रूप से आप मिला सकोगे इस बारे में हम चर्चा करेंगे इस प्रसंग नहीं है देन आप उस दिन आपका हृदय में आनंद का बार आ जाएगा दुख बोल के कोई चीज बचेगा नहीं गुरु वैष्णव दरकार नहीं है हमारा करोड़ों रुपया का जायदाद है महाराज क्या काम का है हम तो ठीक है बद्ध अजीब बद्ध अवस्था में अपना हालत को उसका दूरदृशिता नहीं है उसका दर्शन इतना लिमिटेशन है भूत भविष्य वर्तमान का जो बैकग्राउंड है इसमें आपका पोजीशन को विचार नहीं कर सकते बद्ध जीव किसी भी हालत अपना मंगल का रास्ता ढूंढ नहीं सकता बद अजीब किसी भी हालत अपना मंगल की रास्ता ढूंढने जाए जाए तो ज्यादातर अमंगल का रास्ता ही ढूंढ लेते हैं मंगल का रास्ता में गया समी एडवाइस यू यू आर इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक्स में बड़ा डिग्री पाया आपने एक काम कर यहां एप्लीकेशन कर दी यहां एप्लीकेशन कर दे और आपका पिताजी बोले जितना सारे तेरे को रुपया पैसा तेरा नाम पे रखे हैं पिताजी पिताजी का दोस्त बता रहे हैं कि बेटा एक काम कर इसको एल में थोड़ा लगा दे हाफ इसको ऐसा लगा दे मार्केट में ऐसा सुजग आया है ऐसा करके डिफरेंट काइंड ऑफ एडवाइस कैन कम टू यू आपका सामने में उपदेश तो आते ही रहते हैं अब आप तो पागल हो जाओगे किसका उपदेश सुने संत महात्मा का उपदेश सुने वो भी कौन सी संत महात्मा का और ये सारे हमारे रिश्तेदार आदि जो हमारे मंगल चाहते हैं बोल के हमारा विश्वास है ये भी एडवाइस देते प्रभुपात जी ने एक ही बात बताया इफ आई सीक द पाथ लीडिंग टू द एब्सोल्यूट गुड देन आई मस्ट इग्नोर द काउंटलेस वॉइस ऑफ पॉपुलर विजडम लिसन ओनली टू दैथ ऑफ द रियलाइज सोल्व इसमें उत्तर मिल गया सिली ने बताए तुम्हारा किसी का उपदेश सुनने का दरकार है नहीं यू निड नॉट अटेंड एनी बॉडी हियर चरम मंगल का रास्ता पढ़ाई लिखाई का इधर उधर अब कुछ भी करो जब आत्मा मंगल का रास्ता में जाओ तो आपको किसी का एडवाइस लेने का दरकार है नहीं आपको जाने का कहां दरकार है काउंटलेस एडवाइस आएगा पॉपुलर विजडम है बड़ा ये जाने माने हैं महाराज जिसका बात नहीं सुनेंगे नहीं सुनना किसका बात सुनेंगे जो रियलाइज सोल जिन्होंने भगवान को प्राप्त किए हैं भगवान का प्राप्ति का भी विषय है दो किस्म का दो टाइप डायरेक्ट भगवान को प्राप्ति इनडायरेक्ट परखो प्रत्यक्ष दोनों आम आदमी समझते नहीं है पहपा जी ने बार बार बताया देखो ये हरि संकीर्तन हरि कथा जो होते रहते हैं इसमें तीन किस्म का विषय को ध्यान दो एक है जो कीर्तन हरि कथा होता है वो है नाम अपराध दूसरा है नामाभास और तीसरा है वास्तव संकीर्तन ना हाउ यू कैन डिफाई कैसे विभेद करोगे विचार करोगे इसका ऊपर भी बड़ा भारी लवा चौड़ा हरिकथा हो सकता हम इतना डिटेल्स चर्चा नहीं करेंगे इन जिस्ट हम बता रहे हैं जिस हरिकथा की त्वन के द्वारा आपको भगवान चरण में भगवान नाम के चरण में अपराध होते रहते हैं कुछ स्वार्थ का विषय है कुछ मसला है जिसका कारण संकीर्तन आपका वो नाम अपराध है और नामाभास का है भले आपका एक इनोसेंट बच्चा है कुछ जानते नहीं किसी इधर से गुजर रहा था किसी महात्मा भिक्षा लेने आए तो बोला हरे कृष्ण बोल ओ ने घर में आया मजा गुराया हरे कृष्ण उसका अपराध नहीं है उसका कोई खराब उद्देश्य नहीं है तो नामाभास हो गया समझा मेरा बात इसमें नामाभास हो गया जब भी शास्त्रों में बताया गया भागवत में सांकितम पर समोबम हेलोमे वैकंठ नाम गहनम अशेष अगहरणम हरणम विदु सांकेतम परिह सम स्तोबम हेलो चार किस्म का एक एक सुंदर व्याख्या है जिस, किस, जिस किसी आदत के द्वारा या मजेक में या उपहास कर कुछ भी हरिनाम अगर जवान से निकल गया तो आपका जड़ जगत का बंधन कट सकता है अशेष अग हरणम विदु अशेष पाप का विनाश हो जाते हैं नामाभास से मुक्ति इसका भी व्याख्या एक एक लाइन एक एक शब्द बोले हमको डर लगता है ये उल्टा समझेगा नामाभास से मुक्ति नामाभास से मुक्ति होता है व्हाट डू मीन बाय मुक्ति शंकर संप्रदाय का दर्शन के बारे में चर्चा करने की इच्छा है लेकिन कहाँ चर्चा करें क्या कंपेरेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए गोड़िया मठ का स्पेशलिटी दर्शन सुनने वाला भी नहीं है और हम भी नालायक है उतना बोल नहीं सकता ये भी हो सके तो बात यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जो कहना है वास्तव संकीर्तन में योगदान करो पूर्व कहते हैं जहां नामाभास नाम अपराध नहीं है जहाँ कम से कम नामाभास चल रहा है वहां आपका इच्छा है तो जा सकते हो समझा मेरा नहीं समझा जहाँ कम से कम नाम अपराध नहीं हो रहा है दे यू कैन गो वो भी नहीं जाना नहीं जाने से अच्छा है फिर भी आपका इच्छा जा सकते हो लेकिन जहां नाम अपराध का कीर्तन हुआ है नाम के नाम को सामने रखकर तरह तरह का मतलब को हासिल करने का विचार हृदय में है हमने भंडारा देते हमने इतना बड़ा साधु बना देखो कितना बड़ा महंत बन गया ये विचार हृदय में है वास्तव मंगल तो वो साधु कर सकता है जिसका खुद का मंगल हुआ है तीर नाम तरी तो जिन्होंने खुद बद्ध अवस्था में हाउ ही कैन गाइड अदर्स जिन्होंने खुद बद्ध अवस्था में है वो दूसरे को उपदेश कैसे करे इज दैट पॉसिबल अबार करे भी उसके द्वारा यू कैन नॉट फेल एनी रिएक्शन इंटर हर्ट रिएक्शन हो नहीं सकता ये सब तरह तरह के विचार उत्थापित होते रहेंगे मेरा एक एक करके विचार में समय की अल्पता के कारण में विषय वस्तु का ऊपर दे श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात पर अखिलेश्वर कृष्ण वस्तु होते हुए भी संन्यास वेश ग्रहण किए और साधु का वेश लेके कैसे आपको भजन करना है नहीं है वो सब दिखाए आज तो हमारा ये युग में हमारा सबसे बड़ा सुविधा है कि श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु अद्वैत गोस्वाई गौर भक्त बिंदु का कृपा के द्वारा हमारा चिंता का क्या विषय है ये तो हमारा दिल में सिंसियरिटी का अभाव है कोई कमी नहीं है सारे ओपन है लेकिन देखने वाले कौन है सारे अंधा बन के बैठे हैं, जबकि श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत गोस्वाई आदि सारे और गौर पार्षद बिंदु के जारे जारे कैरेक्टर चरित्र स्वभाव भक्ति का एक एक तरह तरह का विचार जो है ही है केवल पहुंचे हुए संत महात्मा का मुखार बिंदु से सब कथा को सेवन करना है बाजार में लाखों कथा चलते रहेगा उसमें अटेंशन मत दो वो बंधन का कारण बन जाए सुविधा कुछ नहीं हुआ आदमी तो ग्लैमर इसका पीछे दौड़ते हैं पोजीशन ग्लैमर उस मठ का हरिद्वार में उस शंकर संभव उसी मठ में मेरे को सेक्रेटरी बना दिया कितना पद दिया इसी चीज में फंसे हुए हैं जिस जिसका दिल में कभी भी कुछ चीज प्राप्ति करने का बिल्कुल गंदगी नहीं है ही कैन स्पीक द ट्रूथ वो सच्चा का कीर्तन कर सकता है बाकी किसी का लिए संभव नहीं है कि वास्तव सत्य का कीर्तन करे श्री चैतन्य महाप्रभु अपना प्रकट लीला में जैसा सारे लीला किए हैं एक एक लीला का विचार करे तो महाराज रमकूप रग रग ऐसा डर आ जाएगा चैतन्य महाप्रभु का कितना टफ विचार है शुद्ध भक्ति भगवत प्राप्ति के लिए अगर आपका इच्छा है तो इसमें मेरा ऊपर गुस्सा करने का है नहीं यही करना पड़ेगा अगर लड़की लड़का बीबी बच्चा में अच्छा समझते हो जैसे आत्मोदेव जी बताए आत्मजेब जी को ओ ब्राह्मण बताएं ये तुम्हारा तकदीर में पुत्र नहीं है छोड़ दो ये सब जोर जबरस्ती मत करो जिद्दी मत करो बोले नहीं आपको देना पुत्र हम देही बला दो भी हम तो सोचते हैं कि बीबी बच्चा लेके जो संसार है वो बड़ा रसमय है जब यह है हम संसारी आदमियों से सारा फड़क है मेरा बेस है ब्रह्मचारी वेश है सन्यासी वेश है लेकिन दिल के दिल में अगर संसार का भावना है तो हम संसारी है यह प्रपात जी का विचार है दिल में अगर हमारा संसार है तो हम जितना भी सन्यास का बेस ले ब्रह्मचारी का बेस ले तो हम संसारी है गृह मेधा उसमें है बाद में चर्चा करेंगे इस वीडियो में विषय में श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम उपनिषद वेद वेदांत सब में है इसका बारे में चर्चा नहीं करेंगे इनके धाम का बारे में भी है उसमें चारों संप्रदाय का चारों आचार्य जो जो है जाने माने जो है श्री मध्य निम्बार को जो है मादाचार्यो जो चार संप्रदाय है विष्णु स्वामी माताचार्यो रामानुजो है मदाचार्यो निम्बार को सब इस चारों जो आचार्यों का नाम लिए चारों संप्रदाय को ही पाद पुराण में बताया गया संप्रदाय विहीना ये मंत्रहा निष्फला मतहा संप्रदाय विहीन अगर आप पागल पंथी किए हैं कि बाजार में जाकर वो महाराज का बड़ा पोजीशन है रैंक है जाने माने है, हम हैं हम वहां से दीक्षा ले लिए हैं महाराज हम तो ले लिए दीक्षा लेकिन शास्त्र अप्रूव नहीं किए ऑथेंटिक स्क्रिप्चर नेवर इट तस्मा शास्त्र विचार कर्जा कार्यकर्जो व्यवस्थित क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए शास्त्रों का विधि विधान का अनुसार आपको संत महात्मा पहुंचा हुआ आपको आपका गति आपका डिरेक्शन दिखाएंगे जाओ इस तरफ जाओ इसी को करो उसमें मंगल है दिग्दर्शन करते रहेंगे बद्र जी का हिम्मत नहीं कि आपने आप हरिनाम का माला ले लिया भजन महाराज हो गया हमारा भजन ऐसा नहीं करोड़ों जन्म में भजन भगवान का प्राप्ति करना मुश्किल होता है लेकिन जिन्होंने वास्तव संप्रदाय में अप्रूव संप्रदाय में किसी पहुंचे हुए संत महात्मा जिस परंपरा में अपना परंपरा का ड्रॉप नहीं हुआ मेरा बात समझते हो बड़ा भारी गंभीर आ जाएगा, ये सब नहीं चर्चा करेंगे परंपरा में ड्रॉप कहाँ होता है ये बात थोड़ा सा दो शब्दों में हम बता दे कृष्ण तो चतुर्मुख इत्यादि हुआ प्रभुपा जी ने सुंदर दिखाया दिखाया गुरु परंपरा एवं भागवत परंपरा का कितना सुंदर हारमोनी प्रभुपात जी नहीं देखा प्रहुपात इज द ओनली आचार्य अनपैर अनबिटेन आज तक जगत में ऐसा कोई आचार्य नहीं है जिसके साथ आई कैन कंपेयर प्रहुपात ये हम वृंदावन में हाँ भड़ा सभा में जाने माने विद्यासभा में चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं प्रहुपात का जो स्पेशलिटी है विशेष है बोलते चले तो बहुत बहुत दिन तक हम चर्चा करते रहेंगे तब भी आप लोगों का दिमाग हृदय में उनका कीपा हुए तो प्रकाशित हो सकता है विषय वस्तु नहीं तो नहीं हो सकता तो चार संप्रदाय में जो परंपरा टूटा नहीं परंपरा टूटा नहीं परंपरा टूटा नहीं ड्रॉप हुआ नहीं इसका मतलब है जो हमारा परंपरा में खानदान में जो गुरुजी जी কৃষ্ণ হতে চতুর্ম এটা বলতে বলতে ধীরে ধীরে চৈতন্য মহাপভু সাক্ষাত ভগবান হতে হুয়ে বিবাস ভক্তলা মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য রাধা কৃষ্ণ না অন্য রূপানুগু জনের জীবন আর ধীরে মাচার্যো হতে হুয়ে মাধবেন্দুপুরী তাহা হইতে মাধবেন্দুপুরী মাধবেন্দ্রপুরি বর শিষ্য বর শিষর হ नित्यानंद याद दी ईश्वरपुरी के धन श्री चैतन्य नाउ माय पॉइंट इज दैट चैतन्य महाप्रभु का जो डायरेक्ट लाइन लिंक चलते आए हैं उसमें कैन यू शो एनी ब्रेकेज डिजरापन डिस्टर्बेंस है क्यों वो लोग पूरा परंपरा में अवस्थित है ये लोग का हृदय का जो भाव है सारे के सारे भगवान को संतुष्टि विधान करना ओनली देयर गोल हमारा साथ तुम्हारा कभी फाइटिंग नहीं हो सकता अगर तुम्हारा उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना ऐसा प्रति और हमारा भी है, हो सकता है कि सिद्धांतों में थोड़ा विचार में थोड़ा आ सकता लेकिन डायरेक्ट फाइटिंग नहीं हो सकता फाइटिंग कब हो सकता विरोध कब हो सकता जब आपका उद्देश्य कुछ और है मेरा उद्देश्य है भगवान को प्राप्ति करना इसीलिए मैं ये बात जम्मू जा रहा हूं उधर भी बुलाया है राजा जी का घर इधर उधर बहुत सारे भक्तों बहुत प्यार करते हैं उधर ये बात को चर्चा करेंगे तो इसमें जब उद्देश्य एक्सक्लूसिव रहता है ये होल यूनिवर्स है वृंदावन में कहा जमुना कुंज में चर्चा किया था फॉरेनर लोगों का सामने कुछ दिन पहले तमाम जगत में एक यूनिवर्सल इंटरेस्ट है देर इज वन यूनिक एंड यूनिवर्सल इंटरेस्ट स्टैंडिंग बिफोर यू बट यू नॉट सी इट क्योंकि आप ब्लाइंड हो जब आपका एक एक जीवात्मा का अलग अलग भक्तों होने के लिए तिलक माला ले लिया सब ले लिया लेकिन फिर भी सोसाइटी में गंडगोल होते किसलिए कि यूनिवर्सल इंटरेस्ट है बड़ा ऊंचा विचार है हम अभी डिटेल्स नहीं करेंगे वो यूनिवर्सल इंटरेस्ट के साथ आपका मिल नहीं हो रहा है आपका जो अलग विचार है पर्सनल इंटरेस्ट वो आपको भगवान से दफा कर दिया बट यू कैन नॉट रियलाइज इट यू आर सो फुल यू नॉट रियलाइज इट पैसा वाला आदमी बड़ा भजन में आए हैं संतों को नचा था नचाने का इच्छा होता है हमारा पैसा है हम नचाएंगे साधु को हट चल हट चल हाँ हमने देखा हम हंसते रहते तो मौत है उसका सामने और चिल्ला के बोले तो ये मेरा कितना प्रेम की बात है वो चाहते हैं कि गुरु वैष्णव को टट्टू घोरा का मापिकल इधर चल, चल। कुत्ता का मापिक मारे जाओगे शास्त्र में जब विचार दिया हुआ है जो सूर्य तेजस्वी है सूर्यो बन्ही है सूर्य है ब्राह्मण सूर्यो बन्ही ये सबों में तेयान वैष्णवो सदा बन्ही सूर्यो ब्राह्मणीभ्यो तेयान वैष्णवो सदा ऑलवेज रिमेंबर एक कृष्ण भगवान ने एक, एक लीला में दिखाया अपना जल के खाग हो जाओगे और उठने का कोई रास्ता नहीं हमको प्रतिष्ठा मिलेगा गुरु जी को थोड़ा नचाए हम गद्दी में बैठ जाए गुरु होएंगे जिनको चैतन्य वहां पर गुरु जी छुपके से गुरु बना दिया उसका पास तो कोई जानकारी नहीं है यही गुरु है परंपरा इधर लिंक बने हुए है इधर से लिंक चलना था लेकिन लिंक टूट गया घूम के आओ इधर लिंक है बट लिंक मस्ट भी देर अगर आप सोचोगे संत महात्मा नहीं है गुरुदेव हमारा बेकार है हो नहीं सकता है लिंक इसीलिए प्रभुपा जी ने बताए कि भक्ति बिनोदारा कभी अवरुद्ध नहीं होने वाला है इसका माने क्या लिंक रहेगा आपको नजर का सामने नहीं है लेकिन लिंक जरूर है ये संभव नहीं कि लिंक नहीं है लिंक ड्रॉप हो गया कैसे समझोगे उसको हरिकथा में बैठा दो उसका आचरण देखो चू उठना बैठना चलना पहले साधु संग करो उसके बाद देखो तमाम दुनिया उसको मला चल रहे महाराज आए हैं बड़ा भाड़ी देखोगे बेकार कुछ नहीं है लेकिन आपको समझ में नहीं आया सा हर आदमी दौड़े तो आप भी दौड़े मेरा कहने का मतलब है श्री चैतन्य तो महाप्रभु का पूरा संप्रदाय में जहां तक मेरा माने हृदय का विचार जा रहा है हमने देखा नहीं कभी किसी में फाइटिंग क्यों ओ लोगों में कभी सोसाइटी फॉर्मेशन का जरूरी हुआ जरूरी हुआ सोसाइटी फॉर्म करो इसको ट्रेजरर बनाओ इसको सेक्रेटरी बनाओ क्यों नहीं महाराज कोई सोसाइटी फॉर्मेशन का कोई जरूरी नहीं समझा क्योंकि सब कोई का उद्देश्य एक है एक भी पैसा हमारा पास आपने छोड़ के गया और पैसा हम क्या करेंगे बैंक में रखेंगे यू फॉलो मी कोई पुलिस वाले को लगा दो क्या ऐसे सीबीआई को लगा दो हम क्या करते हैं पैसा को तो बोलने से तो होगा नहीं यह भी तो हो सकता हम झूठा बता रहे हैं आपको क्वेश्चन कुछ भी आए हमारे सामने भगवान का सेवा में हम लगाते कि नहीं सबसे बड़ा विचार है अगर सब जीवन जोवन मैनी पावर मान पावर सब कुछ हम भगवान का सेवा के लिए भगवान का प्रीति के लिए निछावर करने के लिए तैयार है तो जरूर ठाकुर जी हमको पोजीशन हमारा रखेगा अपना गोदी पे चाहे आप धिक्कार दो हमको बोले इसको सभा में बैठने मत दो भगाओ ये खाली ये सब बोलता है तो हमारा कुछ आता जाता नहीं हम तो उठ के आनंद के मरे चले जाएंगे क्यों हम सूरज कुंड में जंगल में ठाकुर जी कुंड के सामने अकेला ठाकुर जी अकेला एलोन और ठाकुर जी के सामने कीर्तन करते रहे सालो महीना भर चाहे सूरज कुंड में क्या चाहे गोकुल में कहीं भी जाएगा गोवर्धन में ठाकुर जी और कोई नहीं है किसी के सामने नहीं यह सब हमारा कीर्तन का क्या मकसद था एक एक गोवर्धन परिक्रमा का क्या मकसद था मेरा ठाकुर जी का संतुष्टि विधान और दूसरा कोई हमारा इच्छा नहीं था कि ठाकुर जी मेरे को माला माल कर दो दो दस मट का मालिक बना दो आचार्य मन मेरा पैर धुलाया जाए और माला पहना जाए और वीडियो भी हो जाएगा ये तो हमने बुलाया नहीं किसी को भक्ति वल्लभ तीथ को श्री महाराज का कहने में निष्किंचन महाराज कौन कहाँ से क्या हुआ आई डोंट नो हम उत्तर नहीं दे सकते कैसे क्या हुआ ठाकुर जी का इच्छा होगा जाने नहीं हम श्री चैतन्य महाप्रभु का परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान होते हुए भी परंपरा में एक भक्तों का रोल किया सिर्फ चैतन्य महाप्रभु नहीं राम जी का जिंदगी देखो उसमें भी अष्टवक्र मुनि को अपना ज्ञान का गुरु माना माना नहीं विश्वामित्र मुनि को तरह तरह का भगवान श्री कृष्ण जी का लीला देखो उसमें दुर्वासा मुनि को गुरु कहते हैं फिर और एक उनका नाम है गुरु का ब, बड़ा भारी तो भूल गया अभी बोलते रहते हैं उनको गुरु माना सारे अर्थात गुरु ग्रहण करने का जो पद्धति है भगवान स्वयं सुरक्षित किए क्योंकि आम आदमी बोलेंगे तो गुरु ग्रहण करने का दरकार नहीं इससे भगवान स्वयं गुरु गोहन करके ये दिखाया कि गुरु परंपरा गुरु गुरु गोहन करने का क्या मतलब है तुलसीदास जी भी बताया बिना गुरु भवन दि ना कोई इत्यादि बताए और तुलसीदास जी का भी जो रामानंदी जो परंपरा है तुलसीदास जी का उसमें भी रामानुज का लाइन है तो चारों संप्रदाय का नाम जो हमने कुछ देर पहले बताया था दे ऑल केम टू नवद्वीप धाम सिला सच्चिदानंद भक्ति में ठाकुर जी ने धाम महिमा में सुंदर बताए कि चारों के चारों यहाँ तक कि चारों छोड़ दो वो जो चतुस्सन जो है वो लोग भी आए है है ना चतुस्सन में भी तो एक परंपरा का तो चतुषन और निम्बार का आदि सारे आए थे शंकर भगवान भी गए थे चैतन्य वहा पो सोने कंचन वरुण शंकर इधर से तुम्हारा काम इधर नहीं है तुमको दूसरा काम दिया इधर से भागो यहाँ नहीं चलेगा तुम झोला उठाओ दंड उठाओ जाओ शंकराचार्यो जी भी गए थे लेकिन भगवान जी भगवान बोले यह शुद्ध भक्ति का जगह दूसरा जगह जाओ बहुत जगह है वाराणसी आदि सब सब जाप जा, जाओ उधर जाओ इधर नहीं होगा ये सब तो परंपरा का विचार लगाए तो देखो मध्चार्य जो जी है इन्होंने श्री बैसदेव जी का सामने से किपा मेला समझा बैजदेव जी नारद जी नारद जी चतुर्मुख ब्रह्मा से ब्रह्मा भगवान से और श्री संप्रदाय में ऐसे श्री लक्ष्मी जी से कैसे कैसे आए हैं सब विचार है हर संप्रदाय में अपना विचार है निम्बार संप्रदाय में कैसे आए हैं लेकिन ये ब्रह्म माध्य संप्रदाय ये कैसे विचार आया श्री चैतन्य महाप्रभु जब माध्चार्यों को कृपा करने के लिए अवतीर्ण हुए ऐसा करके सोने का भरण कांचन भरण मादाचार्य जी देखे करोड़ों सूर्य उदित हुआ है मेरा सामने लेकिन फिर भी शीतल है चांदनी जैसा पूर्ण पूर्ण मासी का चांदनी भले ठाकुर जी क्या आदेश है भले मैं तुम्हारा ऊपर संतुष्ट हूं के जो ही एकमात्र आचार्य है चारों आचार्यों में जिन्होंने डायरेक्टली मायावाद विचार को खंडित किए वेरी अटैक चुषाद भी किए हैं पर और जो आदि सब पंडित समाज में पढ़ते हैं देखना पड़ता है दूसरों उसको विचार को खंडित करने के लिए लेकिन सिला माधाचार्य जो जैसा विचार ऐसा डायरेक्ट आग जिसके डर के मारे सब सा भागे शारदूल बोलते हैं ऐसा फाइटिंग जो विचार जो 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 है इसका सामने कोई ठहरना मुश्किल है चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हम तुम्हारा ऊपर संतुष्ट है कोई चिंता मत करो हम तुम्हारा संप्रदाय की ग्रहण करेंगे देखना आगे हम अवतरण होने का टाइम आ रहा है हम आएंगे शीला मध्चार्य जी का परंपरा में श्री चैतन महाप्रभु दीक्षा गोहन करने का लीला विधान किए हैं परंपरा का ऊपर एक किताब आठ साल पहले निकल चुका संप्रदाय हमारा नहीं है बोल के वृंदावन से इधर बहुत आक्रमण हुआ था ये अधहम के ऊपर आदेश हुआ था मैंने परंपरा का ऊपर हमारा कैसा परंपरा है सारे विचार को उत्थापित करके रखा था बट स्टिल आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि हमारा संप्रदाय का ही अंदर में एक गद्दारी किया उसको देख के मैं डर के मारे जल्दी कर दिया वो डर माने हमने भाई नहीं हुआ मैंने हमने हमारा पूरा खानदान तो विनाश हो जाएगा उसको माना किया था ऐसा किताब ना निकालो उन्होंने निकाल दिया कि हमारा परंपरा नहीं है माताचा जो बोलो थे विद्याभूषण से हमने जबकि उसको मना किया उम्र से मेरा बहुत ऊपर मैं उसका इतना तक उम्र हूं फिर भी वो इज्जत करते हैं आपस में चर्चा किया बोला महाराज ये किताब को देखो कैसा होगा हमने मेरा बिल्कुल मत करो महाराज ये तो भक्तिमीनों पोहत का खिराफ है हमारा परंपरा नहीं।, नहीं ये तो ठीक है नहीं ठीक नहीं है बाद में देखा वो मानने के लिए तैयार नहीं है तो हम वृंदावन जा वृंदावन रहते हैं कभी इधर उधर उभर तो रहते ही रहते हैं किताब का हम बोल के गए महाराज एक काम करो हमारा पास तो पैसा नहीं है तो आपका आप तो पैसा है आप एक काम करो बहुत हमारा परंपरा का बड़ा भारी कल्याण होगा आप एक काम करो आप परंपरा नहीं है इसका बारे में नेगेटिव लिखो और हम परंपरा है इसको बोल में हम लिखे एक ही किताब हो उसमें दो नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट आदमी लोगों को पता चलेगा बहुत अच्छा होगा हाँ हाँ अच्छा होगा महाराज आपने बड़ा भारी पुस्ताब दिया हमारा हाँ, पॉजिटिव पॉइंट है कॉम्पटिटिव स्टेटमेंट हो जाएगा जो उसका दिल में है वो मान लिया जब हम वृंदावन से लौट आए असिल भक्ति हुई तो माधव गुस्से महाराज का तिथि में हम बैठे कथा बोलने के लिए कथा मेरा खत्म हुआ तो देखे किताब वितरण किया जा रहा है कौन सी किताब किताब दिया है किताब दिया हम रख लिया उस टाइम तो कितन हो रहा है सब हो रहा है दो चार पन्ना हमने उल्टा कर देखा तो हमको चौंक गया अरे महाराज वही तो किताब है जिसको माना किया तो निकाल दिया सुना नहीं हमने रख लिया बैग में और उसी जगह अशिल भक्ति तो माधव में समाधि में हम प्रतिज्ञा करके उठे महाराज ये जितना भी उम्र में ज्यादा हो ये इतना परत किया इसको हम ऐसा ठाकुर जी ऐसा कर दो शक्ति मेरा अंदर में हे माधव गुस्वी महाराज हे केशव गुस्सा महाराज ऐसा शक्ति दो तो इसको हम जवाब ऐसा देंगे उसका जवाब बंद हो जाएगा तुरंत हम दो महीना का अंदर कर लिया वो दो महीना का अंदर करना नहीं था दो साल का अंदर बहुत रिसर्च करने करके करना था बहुत टाइम लगाकर लेकिन जल्दी हमारे कर लिया क्योंकि वो किताब में नेगेटिव पॉइंट फैल जाएगा तो और बाकी कभी समय हो तो उसको रेक्टिफाई और एडिट करके हम निकालेंगे हिंदी बांग्ला में इच्छा है लिखी तो देखा जाए ठाकुर जी का इच्छा परंपरा में कभी कभी झगड़ा चलता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत आदमी शहजी आदमी बोलते हैं महाराज चैतन्य महाप्रभु से ही एक नया संप्रदाय आया वो महाराज भी वो लिखा था जबकि वो हमको जो भी किताब देखते दे, दे देखने देते थे हम उसको एडिट करके भागवत साक्षात कार्य बहुत सुंदर किताब बंगला में उसको हिंदी में हो तो चौंक जाओगे इतना वॉल्यूम सब बुक को जिस्ट करके एकदम भागवत प्राप्ति किस किस किस्म का होता है प्रीति बेहद संदर्भ से बहुत से हमने किसी जगह हमारा नाम भी नहीं लगाया उसका ही नाम दिया लेकिन जब ये किया तो हमारा हृदय टूट गया हम बोले इसको हेल्प नहीं करेंगे तो इस किताब में यह विचार भी दिया था कि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है तो ये सब फालतू आदमी है वो चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात कृष्ण है तो चैतन्य महाप्रभु से ही अलग संप्रदाय हुआ है ऐसा करके तर्क जोड़ दिया उसका लिए किताब भी निकाल दिया राधा कुंड इधर उधर से भले ये सब फालतू विचार है चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान उसको क्या अपेक्षा है तो उन्होंने अलग सा संप्रदाय शुरू कर दिया क्यों हम बोलेंगे माध्यव गौड़ीय संप्रदाय हमारा गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य संप्रदाय है तो उस किताब में हमने युक्ति दिया था तो देखो साक्षात भगवान होते हुए भी जगत का नियम को कायम रखने के लिए इच्छा करके भक्तों का भाव लेते हैं और गुरु किसी को गोहन करते हैं यह विचार पहले से ही है रामायण देखो महाभारत देखो, कहा भी देखो भागवत देखो भागुरी मुनि भागुरी मुनि को कृष्ण जी मंत्र लिए थे भागुरी मुनि आप पौर्णमासी को भी बड़ा इज्जत करते थे पौर्णमा पौर्णमासी को कीपा करो कीपा करो बहुत पौर्णमासी जोग माया बड़ा योगदान है कीपा हो जाए तो देखोगे इसी घर में बैठ के वृंदावन दर्शन मिलेगा कसम से हम बोल रहे हैं व्यासासन में बैठ के यदि अगर कीपा हो जाएगा घर से भागने का नहीं इसी घर का अंदर में देखोगे वृंदावन प्रकाशित हुआ सब नहीं तो ठगी बनकर रह जाओगे कोई फायदा नहीं तो हमने इस किताब में प्रमाण किया था कि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान होते हुए भी परंपरा का जरूरी है इसलिए साक्षात चैतन्य महाप्रभु कृष्णो श्री राम चंद्रो सारे गुरु परंपरा का सारे मार्ग दिखाए हैं ऐसो आपका बेकार के विचार ये नहीं करो तर्क नहीं करो तर्क करने से शुद्ध भक्ति हृदय से भक्ता है थोड़ा सा भी भक्त है तर्क करो तो नहीं होगा को संप्रदाय में परंपरा है मादचर जो संप्रदाय में तो हमारा है ही है देखते हो पहुपाद जी तक पहुपाद जी से हमारा गुरु जी इसके बाद धीरे धीरे परंपरा परम पुज देवपा जी से ब्रांच होते जा रहा है ना पउपा जी से पूर्ण कृपा किया है परमपुज केशव गोष्ठी महाराज उनके पूर्ण कृपा किया है परम पुज बम गोषी महाराज इनके बाद अगर किसी ने पूर्ण कृपा प्राप्ति करे तो वो भी गुरु होगा मेरा जजमेंट जो है ये न्यूट्रल जजमेंट मैं पर्सनलिटी करने के लिए बैठा नहीं सच्चाई को स्थापन करने के लिए बहुत सारे चीज संप्रदाय के बारे में कहने के लिए इच्छा हो रहा है लेकिन बाद में कभी कह देंगे महाराज जी स्वयं उपस्थित है इनके मुखार से दो चार शब्दों सुन लो तो आपका मंगल होगा इसी इच्छा लेकर मेरा वाणी को विश्राम देने का विचार कर रहे हैं वांछा वाचा कलपत रिंद पातिथानवन व्यो नम